नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप जन आधार कार्ड से एलपीजी आईडी किस प्रकार से लिंक कर सकते हो। एलपीजी की सब्सिडी लेने के लिए यानी कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेने के लिए आप बैंक अकाउंट किस प्रकार से लिंक कर सकते हो। जन आधार में एलपीजी आईडी कहां से निकालनी पड़ेगी आपको लिंक करने के लिए, तो वो सब बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले आपका ई मित्र लॉगिन करना है। ई मित्र लॉगिन करने के बाद में यूटिलिटी टाइप सर्विस इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है जन आधार। जैसे आप जन आधार सर्च करोगे, यहाँ पर जन आधार इनरोलमेंट शेडिंग मनी विड्रॉल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे रिडायरेक्ट करने के लिए बोलेगा, आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इनरोलमेंट और शेडिंग, तो आपको इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इनरोलमेंट एडिटिंग। अब यहाँ पे इनरोलमेंट एडिटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके जन आधार कार्ड की ईकेवाईसी सक्सेसफुल हो गई होगी। अगर आपके जन आधार कार्ड में किसी भी एक सदस्य की ईकेवाईसी बाकी है, तो आपको फैमिली, यहाँ पे देखिए फैमिली ईकेवाईसी वाले ऑप्शन पे आकर के आपकी ईकेवाईसी आपको अपडेट करनी है, उसके बाद में ही आप एडिटिंग कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनरोलमेंट एडिटिंग पे क्लिक करना है। इनरोलमेंट एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जन आधार रसीद संख्या, आधार नंबर और एक आपको मिलता है जन आधार कार्ड नंबर। तो एज और वीस किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे आप खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके सामने इस प्रकार से आता है, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। जिस सदस्य के नाम से आप केवाईसी करना चाहते हो या फिर जिस सदस्य के नाम से आप इसको वेरिफिकेशन करना चाहते हो, उस सदस्य को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक बायोमेट्रिक का और दूसरा मिल जाता है आपको ओटीपी का। तो चलिए, आपके आधार कार्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड नंबर है, उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा 6 अंकों की। वो ओटीपी ला करके आपको इसको ऑथेंटिकेशन करना है। मैंने ओटीपी लगाया, मान्य करिए वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया, पेज रिडायरेक्ट हुआ और इस प्रकार से मेरे सामने एक पेज आ गया। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक पॉपअप देखने को मिलता है, आप नाम, लिंग, जन्मदिनांक और तिथि एक बार बदल चुके हैं, अब आप नहीं बदल पाएंगे, आपको ओके कर देना है, क्योंकि इसमें हमारे आधार कार्ड वाली डिटेल है जो अपडेट हो चुकी है। जैसे ही आप इसमें ओके कर देते हो, यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब इसकी सब्सिडी किस में आने वाली है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पारिवारिक बैंक का नाम, तो जो भी बैंक का नाम है वो मिल जाता है, उसके बाद आईएफएससी कोड, उसके बाद आपको यहाँ पे एक खाता नंबर मिलता है। तो जो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, वो अकाउंट नंबर एकदम सही होना चाहिए। तो अगर सही नहीं है, तो आप यहाँ पे अभी सही कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है गैस कनेक्शन संख्या का, तो यहाँ पे आपको गैस कनेक्शन संख्या डालनी है। उससे पहले यहाँ पे आपको एजेंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपका कौन सी एजेंसी का गैस कनेक्शन है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको गैस कनेक्शन संख्या डालनी है। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि हमने जो सिलेंडर लिया है, उस कॉपी पे हमारे लास्ट 6 डिजिट ही लिखे होते हैं, तो उन डिजिट को पूरा किस प्रकार से करना है। आप यहाँ पे 6 अंक लगाओगे तो यहाँ पे ये जो इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और आप जैसे इसका वेरिफिकेशन करोगे तो ये दिखाएगा कि आपकी गैस कनेक्शन संख्या गलत है। जो भी गैस कनेक्शन सही संख्या आपको किस प्रकार से निकालनी है, वो भी बात आपको मैं बता दूंगा। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास में किस कंपनी का गैस कनेक्शन है, किस एजेंसी का गैस कनेक्शन है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आपकी गैस एजेंसी का पूरा विवरण निकाल सकते हो। चलिए, मैं आपको यहाँ पर आपको डाल के दिखाता हूँ कि आप अपने पास में जो सिलेंडर नंबर होते हैं, जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं, वो डाल करके आपको निकाल के दिखाता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर डाल करके निकालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जिस भी कंपनी का है, आप यहाँ पे जो 6 अंक है वो डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे 6 अंक डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने जैसे ही क्लिक किया साइड में क्लिक करते ये दिखा रहा है कि गैस कनेक्शन संख्या सही नहीं है। तो इसके लिए आपको नई टैब ओपन करनी है, यहाँ पे आपको सर्च करना है माई LPG। जैसे ही आप यहाँ पे माई LPG सेलेक्ट करते हो, आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, PMUI और एक आपको मिल जाता है MyLPG.in। तो आपको MyLPG.in वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप MyLPG.in वाले कनेक्शन पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आएगा नया। देखिए, इस प्रकार का एक नया पेज आने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी गैस कनेक्शन संख्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपके पास में कौन सी गैस कनेक्शन संख्या है, यानी कि किस कंपनी का गैस कनेक्शन है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास है माई बार था, तो मैंने यहाँ पे माई बार सेलेक्ट किया। जैसे आप माई बार सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं देखने को। यहाँ पे देखिए फाइंड योर 17 डिजिट LPG ID, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद इन दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के नेम से, उसका कंज्यूमर नंबर लगा करके इसको आप सर्च कर सकते हो।
अगर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटर नेम और कंज्यूमर नंबर नहीं है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको जिला सिलेक्ट, राज्य सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जिला सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे गैस कनेक्शन संख्या सेलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी गैस कनेक्शन एजेंसी है, उसके बाद कंज्यूमर नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जो भी आपका कंज्यूमर नंबर यानी कि जो आपका 6 डिजिट का नंबर आपको मिला हुआ है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चर कोड यहाँ पे फिल करना है। देखिए मैंने जो भी कैप्चर कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा था मैंने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है आपकी जो भी 6 अंकों की 17 डिजिट की जो LPG ID है वो देखने को मिल जाती है। तो वो LPG ID यहाँ पे लगाइए। उसके बाद यहाँ पे आपकी गैस कनेक्शन संख्या जो पासबुक है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ आपको सेव करिए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करिए वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपका फॉर्म है जो सक्सेसफुली सेव हो जाता है। उसके बाद ये नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड प्रोसेस अथवा प्रक्रिया में भेजें, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जनता रिकॉर्ड में गैस कनेक्शन यानी कि LPG ID जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपकी पहली रिक्वेस्ट जाएगी आपके नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद में। सेकंड लेवल वेरिफिकेशन इसका SDM ऑफिस से ही होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो इसकी पहली रिक्वेस्ट जाएगी आपके ग्राम विकास अधिकारी के पास में। उसके बाद इसका जो सेकेंड लेवल वेरिफिकेशन है वो आपकी पंचायत समिति से होता है। तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से आप गैस सिलेंडर LPG की सब्सिडी लेने के लिए आपकी जो पासबुक है वो लिंक कर सकते हो। उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।